ओके दैट इज हैविंग अ रूल्स ऑल्सो बेबी ओके व्हाट इज दैट सी एन इज साइलेंट आफ्टर एम वेयर बच्चा एम कब साइलेंट होगा बोलो जल्दी आफ्टर एम एम के बाद में जो एन आएगा वो क्या हो जाएगा बेबी साइलेंट हो जाएगा सबको समझ आ रहा है यस और नो आ रहा है ना कब ओके तो देखिए जैसे हम अटम्स लिखते हैं राइट सो अटम इज द हियर अटम स्पेलिंग व्हाट साउंड कम्स देखो बिफोर क्या है उसके एम है और आफ्टर क्या है एन है अभी हमने क्या पढ़ा कि साइलेंट वर्ड कौन सा रहेगा हमारा एम कब होगा जब एम के बाद में आएगा ओके समझ आ रहा है सबको आ रहा है ना तो ये क्या बेटा इसके बाद आ रहा है ना तो ये एन क्या है एम के बाद आने की वजह से साइलेंट है समझ आ रहा है जैसे हम अचम पढ़ा हमने एन का साउंड आ रहा है क्या एन का साउंड कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है एम का साउंड आ रहा है देखो अचम में कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है एन का साउंड नहीं है एम का साउंड है बोलो मेरे साथ अचम कॉलम देखो कॉलम में क्या आएगा बेबी कॉलम में भी देख रहे हैं आप एम के बाद में एन है यस और नो यस तो एम के बाद एन है तो क्या आएगा एन क्या है बच्चा साइलेंट वेरी गुड क्या है साइलेंट साइलेंट ओके नेक्स्ट है डैम व्हाट इज दैट डैम डैम में क्या है बेटो हम कैसे बोल रहे हैं बेटा डैम बोल रहे हैं तो जो एम का साउंड है वो लास्ट में डैम बोलो मुंह बंद हो रहा है ना बोलो डैम बंद हो रहा है आपका मुंह यस और नो क्लोजिंग और नॉट योर माउथ Yes. So it means N is the not pronounced. Okay. So that is be a silent because of M before it. Okay. समझ में आ रहा है आपको? Yes. Okay. Next is that here we will start to word.